हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे वेज आलू ब्रेड सैंडविच विथ लेस ऑयल। तो फ्रेंड्स, अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 5-6 मीडियम साइज के आलू उबाल के क्रश कर लिए हैं। हमने लिए है ग्रीन चटनी और रेड चटनी। हमने 7 से 8 ब्रेड के साइज लिए हुए हैं, बड़े साइज का ब्रेड है। हम उबले हुए आलू को एक बाउल में डाल लेंगे। इसमें हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2 चम्मच ग्रीन चटनी ऐड की है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलू में हमारे सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे। चटनी में नमक होता है तो नमक हिसाब से ऐड करें। अब हम इसमें ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें और हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारा आलू मसाला रेडी है। हम ब्रेड स्लाइस को लेंगे और उसके किनारों को ऐसे कट कर देंगे। आप चाहें तो बिना कट किए भी बना सकते हैं। सारे ब्रेड स्लाइस को हमें ऐसे ही कट कर देना है। हमने सारे स्लाइस कट कर लिए ऐसे ही। अब हम एक एक स्लाइस को लेके उसे बेलन से पतला कर देंगे। ब्रेड हमें हल्के हाथों से बेलना है, ज्यादा टाइट हाथों से नहीं। ध्यान रहे हमारा ब्रेड स्लाइस फटना नहीं चाहिए। मैं आपको एक ब्रेड स्लाइस लेके दिखाती हूँ मैंने कैसे बेला है। इसे इतना ही पतला हमारे ब्रेड स्लाइस को बेलना है। सारे स्लाइस हमने ऐसे ही करके बेल लिए हैं। अब हम एक ब्रेड स्लाइस लेंगे, उस पर हम रेड चटनी को स्प्रेड करेंगे। फ्रेंड्स, रेड चटनी की और ग्रीन चटनी की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। अब हम ब्रेड की दूसरी स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर रख देंगे। हमने जो आलू मसाला रेडी किया था वो इसके ऊपर स्प्रेड करेंगे। हल्के हाथों से हमें मसाले को स्प्रेड करना है। अब हम ब्रेड का एक और स्लाइस रखेंगे और इस पर ग्रीन चटनी स्प्रेड करेंगे। आप ग्रीन चटनी की जगह कोई भी मीठी चटनी यूज कर सकते हैं अगर आपको ज्यादा तीखा नहीं पसंद है तो। अब हम इसके ऊपर लास्ट ब्रेड स्लाइस को रख देंगे। हमारा ब्रेड सैंडविच रेडी है। अब हम इसे हल्के हाथों से उठाकर अलग रख देंगे और ऐसे ही हम अपने सारे स्लाइस रेडी कर लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसे हमें प्रीहीट करना है और उसमें हम बटर डालेंगे। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाए हम इसमें ब्रेड स्लाइस को डाल देंगे। आप चाहे तो बटर स्किप भी कर सकते हैं, इसे विदाउट ऑयल और विदाउट बटर बना सकते हैं। अब हम दूसरे साइड से भी इसे सेक लेंगे, अच्छे से क्रंची कर लेंगे। बहुत ही यमी और क्रंची दिख रहा है हमारा ब्रेड स्लाइस। दोनों साइड से एकदम अच्छे से सेक चुका है हमारा ब्रेड। ये रेडी टू सर्व है। अब हम इसे प्लेट में निकालेंगे। देखिए, मैं आपको एक ब्रेड स्लाइस कट करके दिखाती हूँ। वाव, बहुत ही यमी और टेस्टी दिख रहा है ये। फ्रेंड्स, हम अपने ब्रेड सैंडविच को और भी यमी बनाने के लिए इसके ऊपर ओरिगैनो स्प्रेड करेंगे हम। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके हमें बताएं कि कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी। इसे हम रेड चटनी, सॉस या किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।